नमस्कार दोस्तों, मैं भाविनी मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तीज का व्रत आने वाला है और यह पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस वीडियो में मैं संपूर्ण पूजा विधि, संपूर्ण पूजन सामग्री और साथ में पूजा की चौकी कब हटानी है और सुहाग कैसे लेना है, पारण कैसे करना है, ये सारी बातें शेयर करूंगी। तो सबसे पहले मैंने ये मिट्टी की 3 मूर्तियाँ बनाई हैं, भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की। इसी तरह मार्केट में भी भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की मूर्तियाँ बनी बनाई मिलती हैं। गंगा जी की मिट्टी से आप उसकी भी पूजा कर सकते हैं। आप चाहें तो शिवलिंग का सेप भी बना सकते हैं। फिर अभिषेक करने के लिए हमें चाहिए गंगा जल, दूध, दही, शहद, चीनी। तो ये सारी चीज़ें हमें अभिषेक करने की चाहिए। कुमकुम चाहिए, कोई भी मीठी चीज़ आप घर में बना सकते हैं, कोई भी मिठाई वो आप बना सकते हैं। इस तरह से कटोरी में चावल चाहिए। कलश स्थापना के लिए एक मैंने पीतल का लोटा लिया हुआ है, तो आप उसमें जल भर देंगे। बेलपत्र चाहिए, बेलपत्र आप 7, 11 इस तरह संख्या में ले सकते हैं। सफ़ेद फूल, लाल फूल, फूलमाला, जो भी आसानी से मिल पाए, समी के पत्ते, तो ये सारी भांग के पत्ते आपको अगर मिल पाए, तो जो भी भगवान शिव को चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, दुर्वा गणेश जी को चढ़ाने के लिए, तो ये सारी चीज़ें चाहिए। उसके बाद हल्दी, कुमकुम, अक्षत, घी, विभूति भगवान शिव को चढ़ाने के लिए। फल फूल में आप कोई भी केला, सेब, मौसमी फल ले सकते हैं, जो भी आसानी से मिल पाए। सिंधोरा अपना पूजा का पीला सिंदूर, तो ये सारी चीज़ें चाहिए। साथ में चाहिए सिंगार का सामान। सिंगार के सामान में आप जो भी चीज़ें चढ़ा सकते हैं, चूड़ी, बिंदी और सिंदूर बहुत ज़रूरी होता है। उसके साथ आप आलता, क्रीम, पाउडर, नेल पॉलिश, कंघी, जितना भी आप पूजा का सामान सिंगार का आप ले सकते हैं, आपकी श्रद्धा और आस्था पे है, आप वो चढ़ा सकते हैं। पीले रंग का इस तरह से सिंदूर, याद रखिए जब भी कोई पूजा करते हैं उसमें अपना शादी का सिंदूरा ज़रूर शामिल करें, और अगर शादी की चुनरी हो पाए तो उसे ज़रूर ओढ़ के पूजा करें। तो इस तरह से एक चौकी लेंगे और चौकी पे हम कोई भी कपड़ा बिछा देंगे। मैंने लाल रंग का कपड़ा बिछाया है। उसके बाद फ़ोटो मैंने स्थापित की है, तो अगर आप मूर्तियाँ नहीं बना पाते हैं तो आप फ़ोटो से भी पूजा कर सकते हैं। बहुत से लोग मंदिर में जाके भी पूजा करते हैं, तो आप यही पूजा विधि मंदिर में भी अपना सकते हैं। अष्टदल कमल बनाया मैंने चावल से और उसके ऊपर कलश स्थापना की है। आप चाहें तो इसमें आम की पत्तियाँ लगा सकती हैं, 5 आम की पत्तियाँ जुड़ी हुई, उसके ऊपर चावल रखेंगे। चावल इस तरह से कटोरी में रखने से धन धान से परिपूर्ण घर बना रहता है। गंगा जल से आचमनी करेंगे। फिर इस तरह की एक प्लेट ली है मैंने पीतल की, उसमें मैंने 3 मूर्तियों जो मैंने बनाई हैं वो रख दिया है। अब गंगा जल से आचमनी करेंगे, पूरे स्थान को पवित्र करेंगे। फिर उसके बाद हम पूजा अर्चना करेंगे। तो सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करते हैं। तो सर्वप्रथम गणेश भगवान जी को याद करते हुए हमें पूजा शुरू करनी है। तो गणेश भगवान जी को सबसे पहले हम गंगा जल चढ़ाएंगे, फिर दूध चढ़ाएंगे। तो इस तरह से हमें पूजा करनी है। माता पार्वती को दूध चढ़ाएंगे, आप चाहे तो सामने फोटो पे भी जल अर्पित कर सकते हैं। दही चढ़ाएंगे, शहद चढ़ाएंगे। शहद नहीं मिल पाए तो आप चीनी भी चढ़ा सकते हैं। घी चढ़ाएंगे, देसी घी हो तो। इस तरह से भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। जब भी कुछ चीज़ें आप चढ़ा रहे हैं, भगवान शिव को अर्पित कर रहे हैं, तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना चाहिए और पूरे सच्चे मन और श्रद्धा से भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। अगर आपको चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं तो आप जल चढ़ा के भी पूजा कर सकते हैं। सिंदूर चढ़ाएंगे गणेश भगवान जी को, कुमकुम चढ़ाएंगे शंकर भगवान जी को, और माँ पार्वती को हल्दी चढ़ाएंगे। तो भगवान शिव को हल्दी बहुत से लोग नहीं चढ़ाते हैं और सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए। तो याद रखिए जब भी माँ पार्वती को आप सिंदूर चढ़ाएं तो 5 या 7 बार चढ़ाना चाहिए और अच्छे से चढ़ाना चाहिए, ताकि जब आपको सुहाग लेना हो तो आप आराम से वहाँ से सिंदूर अपने माथे पर लगा सकें।
तो सामने जो भी आप फोटो आप बाजार से लाए हैं या फिर आपने अपने मंदिर की फोटो रखी है, तो आप मंदिर की फोटो फिर वापस पूजा करने के बाद मंदिर में स्थापित कर देंगे। तो इस तरह से बहुत ही सरल विधि से आप पूजा कर सकते हैं। प्रदोष काल में जो पूजा की जाती है तीज व्रत की, बहुत ही शुभ मानी जाती है। 6:30 से 7:30 के बीच में पूजा का शुभ मुहूर्त है, तो आप इस समय पूजा कर सकते हैं। फूल चढ़ाएंगे तो गणेश भगवान जी को फूल चढ़ाएंगे, बेलपत्र चढ़ाएंगे, एक बार बेलपत्र गणेश जी को चढ़ाएंगे, उसके बाद भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाएंगे। तो बेलपत्र 5, 7 और 11 इस तरह से चढ़ाना रहता है। याद रखिए, जो बेलपत्र की पत्तियां हों वो 3 की संख्या में जुड़ी होनी चाहिए, कटी फटी नहीं होनी चाहिए। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए हमें बेलपत्र चढ़ाना है। तो तीज के व्रत क्यों किया जाता है, तो इसके पीछे भी माता पार्वती ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था, इसीलिए जो है तीज का त्यौहार मनाया जाता है। फूल चढ़ाएंगे, माँ पार्वती को लाल रंग का फूल चढ़ाएंगे। तो जो भी फूल माला है आप चढ़ा सकते हैं, भगवान शिव को सफ़ेद या पीले रंग का फूल चढ़ाएंगे, कनेर का फूल मिल पाए तो अच्छा होता है। फिर भगवान शिव को शमी के पत्ते चढ़ाएंगे, गणेश भगवान जी को दूर्वा चढ़ाएंगे, भांग का पत्ता मिल पाए वो चढ़ाएंगे, धतूरा मिल पाए वो चढ़ाएंगे। तो इस तरह से पूजा करनी है, जैसे कि पूजा आप करते हैं नॉर्मल पूजा उसी तरह से करनी है। बस सामान मिल पाए ना मिल पाए, लेकिन सच्ची श्रद्धा ज़रूरी होती है। आप मन से पूजा करेंगे तो उसका फल ज़रूर मिलता है। फिर उसके बाद माँ पार्वती को सिंदूर चढ़ाना है, तो 5 या 7 बार सिंदूर चढ़ाते हैं चुटकी में लेके, देखिए इस तरह से। फिर पूजा के बाद अगले दिन जब आप पूजा करते हैं तो सुहाग लेना रहता है। शाम को जब प्रदोष काल में पूजा करते हैं तो भी सुहाग लेना रहता है। घी का दीपक जलाएंगे, उसके बाद वस्त्र पहनाएंगे। बहुत से लोग साड़ी भी चढ़ाते हैं जिसे दान कर देते हैं, तो आप साड़ी भी चढ़ा सकते हैं, नया कपड़ा चढ़ाएंगे। सारा श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, आलता, मेहंदी, जो भी श्रृंगार का सामान है माँ पार्वती को चढ़ाएंगे। बिंदी निकाल के लगा देंगे माँ पार्वती को, जो आप मूर्ति है उसमें भी लगा देंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, मैंने बहुत सरल तरीके से मूर्तियाँ बनाई हैं। आप चाहें तो शिवलिंग का आकार देके भी पूजा कर सकते हैं, या आपके घर में शिवलिंग है तो आप इसी तरह से पूजा कर सकते हैं। तो सारा श्रृंगार का सामान चढ़ाने के बाद फल फूल चढ़ाते हैं। कोई मीठी चीज़ आप अपने हाथों से बनाएं, पेड़ा जैसे बना लें, इस तरह से प्रसाद चढ़ाएंगे। प्रसाद फिर जब चौकी हटाते हैं अगले दिन, जब सुबह पूजा करके चौकी हटाते हैं, तो प्रसाद फिर सब लोग को, घर के जो भी सदस्य हैं उन्हें बांट देते हैं। भगवान शिव को आप जनेऊ चढ़ा सकते हैं, गणेश भगवान जी को जनेऊ चढ़ा सकते हैं। फुलरा मिलता है मार्केट में, इधर यूपी में फुलरा भी मिलता है, जिसमें भगवान शिव का फुलरा पहनाया जाता है माथे पर। तो इस तरह से हम पूजा करेंगे, उसके बाद फिर आरती करेंगे। आरती करने से पहले हमें हरतालिका तीज व्रत की कथा पढ़नी होती है, जिसमें भगवान शिव और माता पार्वती ने जो भी कठोर व्रत किया था भगवान शिव को पाने के लिए, वो कथा है। तो ये कथा पूरे सच्चे मन से पढ़नी चाहिए। उसके बाद आरती करनी है। आरती करने में गणेश भगवान जी की, शिव भगवान जी की और माता पार्वती की आरती की जाती है। फिर उसके बाद जो है हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए कि पूजा में अगर कोई भूल चूक हुई है तो भगवान हमें माफ़ करें, और पूजा स्थल को इसी तरह रहने देना है। फिर अगले दिन सुबह नहा के, सुबह 4, 4:30 बजे उठ के नहा के फिर से आरती करनी रहती है, सुहाग लेना रहता है। प्रसाद के रूप में आप बिंदी, सिंदूर जो भी है वो आप लगा लें एक एक करके। तो उसके बाद फिर पारण करना रहता है। इधर यूपी में चना निगलने की प्रथा है, भाई के नाम से चना निगला जाता है, तो एक पूरा चना, जितने भाई होते हैं उतना चना निगलना होता है, फिर पानी पीना होता है, उसके बाद आप कोई भी मीठी चीज़ खा के अपने व्रत का पारण कर सकते हैं।
तो इस तरह से सुहाग लेना है। तो सुहाग लेने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। आपने 5 या 7 बार सिंदूर चढ़ाया है तो उतने ही बार माथे पे आप सुहाग लेंगे, फिर हाथ धो लेंगे, फिर उतने ही बार सिंदूर आप वापस चढ़ाएंगे। तो इस तरह से सुहाग लिया जाता है। इसी तरह से आपको सुबह अगले दिन सुबह भी सुहाग लेना रहता है। तो ये थी संपूर्ण पूजा विधि।